एक चीज़ और थी, जैसे जब न्यू मीडिया जो इंटरनेट मीडिया है ये डेवलप हो रहा था, तो उस वक्त इसे रिवोल्यूशनरी कहा गया, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत रिवोल्यूशनरी कहा गया कि ये एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन पर कब्जा जिस पर्टिकुलर क्लास का है या जिस तरह से उस पर कब्जा है, इसको तोड़ देगा और डिसेंट्रलाइज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। और उसके लिए एक बड़ा टूल था, क्योंकि हर किसी की मतलब हर किसी की वेबसाइट नहीं हो सकती थी, तो सोशल मीडिया को वेबसाइट की भी जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज एक तरह से करेगा, और उसने एक हद तक किया भी है। लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल है कि क्या उसने इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज किया, इन्फॉर्मेशन को का प्रसार किया, या मिस इन्फॉर्मेशन का ज्यादा प्रसार किया, तो ये भी एक प्रश्न उठा। तो मनीषा से मेरा, जैसे मैंने बताया कि सब पहला परिचय तो फेसबुक के जरिए ही है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह की मीडिया, सबसे शुरुआती मीडिया जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज रही हैं उनमें से एक मनीषा है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ इनका इस मामले में क्या समझ है, कि जिस तरह से सर ने कहा कि इसने बहुत ज्यादा जो नवीन आवाजें थी उनको एक मुखर आवाज बनने का मौका दिया, तो लेकिन जो उसके दूसरे दूसरा पहलू है कि मिस इन्फॉर्मेशन को प्लेटफॉर्म ज्यादा मिला, हमारे यहाँ जितना इतिहास इस बीच में लिखा गया फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए, इतना इतिहास पहले नहीं हुआ करता था, तो ये भी एक संकट इसका है। तो आप कैसे देखती हैं मनीषा इसे? कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, कोई गाली देगा, कोई गाना गाएगा, कोई ढोलक बजाएगा, कोई चाय पिएगा, कोई पानी, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक मीडियम। तो एक्चुअली देखो, इतिहास को जो मिस इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, वो ज्यादा होना कब शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया की ताकत का एहसास, मतलब जब पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर लोगों नेताओं का मेरिट डिमेरिट और उनकी काबिलियत इस बात से तय होने लगे कि उनके ट्विटर पे कितने फॉलोवर्स हैं, और उनको पार्टी के अंदर इस बात का टारगेट दिया जाए कि आपके यू नो 50 मिलियन, बिकॉज दे रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप इतने सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो हर व्यक्ति, हर राजनीतिक समझ स्ट्रीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अथॉरिटी, सरकारें, सत्ताएं, वो सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी, उनको अगर लोगों को बर्बाद करना है तो वो बर्बाद करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि रात मतलब लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, उनको भड़काया जाए, तो राजसमंद जैसी घटनाएं होंगी। व्हाट्सएप पे इतिहास वो अलग तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के ताजमहल तेजो बहा रहे हैं, वो करेंगे। तो ये बिल्कुल हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। सोशल मीडिया का इट वॉज एन ओपन फ्रंट, जिसको जो जी में आए जैसे चाहे लिख सकता है। जैसे उसने औरतों को बहुत सारा अचानक स्पेस और आजादी दी कि आप जो अपना बनकर चाहे लिख सकते हैं, और आपको किसी संपादक का मुहताज नहीं होना पड़ेगा। मतलब आपने कोई कविता लिखी है तो हिंदी पत्रिका में छपाए जाने के लिए आपको संपादक जी से मिलना पड़ेगा। अपनी वॉल की आप खुद राजा है, आपको जो लिखना है लिखिए, रोज लिखिए, अपने सारे विचार व्यक्त करिए, एंड इफ अगर उस विचार में ताकत है तो वो पहुंचेगी, नहीं है तो नहीं पहुंचेगी। यू नो इट वॉज लाइक फ्री कि वो अपने तरीके से स्प्रेड हो रहा है। एक चीज इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ, हो सकता है थोड़ा डेविएशन हो, जो मुझे पूरे इस इंटरनेट के दौर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। लाइक गूगल में सब कुछ उपलब्ध है, यू नो आपको किसी भी चीज का इन्फॉर्मेशन, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आप 2 मिनट में डालिए, आपको सारे फैक्ट्स, लीगल्स, हिस्ट्री, दुनिया जान का सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। लेकिन ये जो फास्ट चर्निंग है ना इंफॉर्मेशन की, लाइक द काइंड ऑफ जर्नलिज्म ऑल्सो वी डू नाउ, कि यार 2 घंटे में लिखो, छापो, खत्म करो, आया गया, इट हैज नो लाइफ। मतलब एक आर्टिकल के ऊपर भी आप अगर 1 महीने से सोच रहे हैं, आप उसको जी रहे, उस पर काम कर रहे हैं, इट वेंट ऑनलाइन एंड 1 घंटे तक उसने ट्रेंड किया, फिर वो गायब, वो खत्म हो गया। तो किसी चीज की उम्र नहीं है लंबी, आप उसमें डूब नहीं रहे, आप उसमें जी नहीं रहे, आप उसमें चल नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था, एक आर्टिकल कोई पढ़ा तो फिर उसको यू नो आप उसमें कुछ दिन तक रहेंगे, बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन का आपके ऊपर। इफ इट्स अ वीकली मैगजीन या न्यूज पेपर, तो वीक में एक बार घर आएगा, आप पूरे वीक उसको पढ़ेंगे, उसमें सोचेंगे, उसमें जिएंगे। यहाँ पे तो मोबाइल खोलते ही 100 न्यूज फटाफट फ्लैश हो रही है, और यू नो इट्स लाइक इट्स टू फास्ट। मतलब कई बार आपका दिमाग जो है ना उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता, एंड यू फील लाइक कि तो क्या करें, किसी चीज की कोई उम्र ही नहीं है।